दोस्तों, साल डेढ़ साल पहले ना एक मीम आया था कि ओ भाई मारो मुझे मारो, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए, यानी हालात पलट के रख दिए, जज्बात पलट के रख दिए। अब ये जो मीम है करंट सिनेरियो में इतना सूट करेगा ये मैं भी नहीं जानता था, और ये सूट 100% कर रहा है। 100 से भी अगर आप बात करें तो 110-200% यहाँ पर इस करंट सिनेरियो में सूट कर रहा है। आप पूछेंगे कौन सा सिनेरियो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा नाम इस समय ऑलराउंडर्स में, T20 इंटरनेशनल्स में कौन है, यानी नंबर वन पे जो काबिज है, जो इंसान, जो खिलाड़ी, जो ऑलराउंडर, वो कौन है? हार्दिक पांड्या। उसी की मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप 2-3 महीने पहले की बात करें, IPL 2024 जब चल रहा था, तो हार्दिक पांड्या के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ। जब मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को बनाया कप्तान, और अंडर द टेबल क्या कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ वो हम नहीं जानते, जो भी कुछ हुआ और ये सब जनता जानती है, जनता के सामने कुछ भी नहीं छुपा। तो उस चीज़ को लेके जब जब वांखड़े में मुकाबले हुए, जब जब कोई और स्टेडियम में मुकाबले हुए, मुंबई इंडियंस के फैंस ने या पूरे भारत ने हार्दिक पांड्या को बू किया, उनका मजाक उड़ाया, उनकी आलोचना करी, उनका क्रिटिसिज्म करा, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जज्बात उस वक्त पे फैंस के, इंडियन क्रिकेट के या ओवरऑल वर्ल्ड के कुछ और थे, तब उनको ठेस पहुंची थी। ये बात हम समझते हैं कि रोहित शर्मा, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कुछ किया, 5-5 ट्रॉफियां लाकर दी हैं, बहुत कुछ किया, एक एक चीज़ करके दी रोहित शर्मा ने, आप उस कप्तान को आपने हटा दिया, कप्तानी से हार्दिक पांड्या को बना दिया, जबकि हार्दिक पांड्या तो मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट की तो वहीं से करी थी। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि उस वक्त जज्बात कुछ और थे, अब जो है दोस्तों जज्बात भी कुछ और है और हालात भी कुछ और है। और आप सब यही सोच रहे होंगे, और मैं भी यही सोच रहा था कल परसों, और सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में थॉट आया वो कल यही आया जब मैं विक्ट्री परेड देख रहा था, और विक्ट्री परेड में किस तरीके से हार्दिक पांड्या के लिए अपलॉड हो रहा था, सब लोग तरस रहे थे कि हार्दिक पांड्या हमसे हाथ मिला लें, और सब लोग जो है अब बू नहीं कर रहे थे, यानी उनके लिए क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, अब उनके लिए अपलॉड कर रहे थे, तो हार्दिक के नारे लग रहे थे, और हार्दिक पांड्या के ये चीज़ सुनकर आंखों में आंसू आ गए। अब समझ रहे होंगे किस तरीके से हालात पलट जाते हैं, किस तरीके से जो है जज्बात पलट जाते हैं, और ह्यूमन मेमोरी के बारे में आप ये चीज़ देखेंगे, ह्यूमन थॉट प्रोसेस के बारे में ये देखेंगे कि भाई बुरा वक्त आएगा तो आपको गालियां पड़ेंगी, आपकी आलोचनाएं होंगी, आपका क्रिटिसिज्म भी होगा, पर लेकिन उसी इंसान का जब अच्छा वक्त आएगा और आपने अगर उस पर्टिकुलर क्राउड के बारे में सोचकर अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया वहाँ पर मौजूद स्थिति में, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने किया, क्योंकि वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, भले ही T20 वर्ल्ड कप जो है उससे अगर आप पहले की बात करें, IPL 2024 में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन खास नहीं रहा था, बल्ले से भी, गेंद से भी, और कप्तानी तो फ्लॉप रही थी, पर लेकिन यहाँ पर आके सारी चीज़ें भूलकर सेल्फलेस तरीके से बल्लेबाजी भी करी, गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन रहा, और जो फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में आखिरी ओवर में 2 विकेट ली, उसने सब पलट के रख दिया। ह्यूमन मेमोरी बहुत ज़्यादा जो है छोटी होती है, उसको जो है भुला दिया हार्दिक पांड्या ने। कहीं ना कहीं इसका पूरा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को जाता है, और ये कहावत जो है वो सही है बिल्कुल पूरे तरीके से कि भाई वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, ये पूरी सूट होती है हार्दिक पांड्या की इस 3 महीने की पूरी कहानी पे। अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे दोस्तों, कि आप भी इमोशनल हो गए थे वो पल देखकर, मैं तो हो गया था जब हार्दिक पांड्या को इस बार बू नहीं किया जा रहा था, उनके नाम के नारे लगाए जा रहे थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।